श्री राम, आप सभी के लिए एक संदेश लेकर के आया हूँ आज। आजकल हमारे हर घरों के अंदर एक प्रचलन बहुत ज्यादा चलने लगा है, वो यह है कि हम लोग इतनी सुगमता के लिए, अपने केवल साधन के लिए, हमने अगरबत्ती का उपयोग अत्यधिक मात्रा में जो है इसका करना प्रारंभ कर दिया है। यहां तक यह भी देखना भूल गए कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या हमारे शास्त्रों के सम्मत है या विरुद्ध है। हमने कभी इस चीज का विचार नहीं किया, लेकिन हमने अपनी अपने साधन के लिए, अपनी सुगमता के लिए इस चीज का उपयोग आज बहुत ज्यादा और बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी और एक बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं, वो यह है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में अगरबत्ती का उपयोग बिल्कुल निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती के अंदर जो एक लकड़ी जो उपयोग में ली जाती है वो बांस की लकड़ी उपयोग में ली जाती है, और अगर बांस की लकड़ी अगर उसके अंदर उपयोग में ली जाती है और फिर हम उसे प्रज्वलित करते हैं, भगवान को दिखाते हैं, और उसको हम लोग घरों के अंदर उसके कई कई जगह उसको सुगंधित के लिए भी जो उपयोग में लेते हैं, तो उससे क्या होता है, घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में बांस को जलाना निषेध माना गया है। यहां तक कहा गया है कि बांस को जलाने से घर के अंदर जो है पितृदोष व्याप्त होता है। और ये केवल हिंदू धर्म का ही मत नहीं है, कुछ वैज्ञानिक शोध, जो इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने यह शोध भी किया है कि बांस को जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। बांस को नहीं जलाना चाहिए, और बांस को जलाने से नेगेटिव ऊर्जा का भी संचार अत्यधिक मात्रा में होता है। बांस से निकलने वाला धुआं हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अब लोग हम लोग अपना अपना जो जीवन का अत्यधिक जो समय है वो घर में या अफसर ऑफिस में ही बिताते हैं, और उस समय हम वहां पर अगरबत्ती की धुआं जो होती है वो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। अगरबत्ती का विधान हमारे यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सी कंपनियां अपने मार्ग, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग सुगंधित मात्राओं में, जो है अलग अलग क्वालिटीज में आज व्यापार के रूप में मार्केट में जगह जगह आपको मिलने को दिखेगी, और हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में उनसे खरीद भी रहे हैं और उनका उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में जो वर्णन है वो केवल धूप का है, गुग्गल का है, लोबान का है। इनका उपयोग करने से हमारे घर की जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हम धूप बत्ती का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती का उपयोग जितना हो उतना कम कर दीजिए, क्योंकि इनमें बांस का उपयोग किया जाता है, और इनमें ऐसा केमिकल सुगंधित बनाने के लिए ऐसा केमिकल डाला जाता है वो भी हमारे लिए बहुत घातक है। तो इसलिए ये एक कहते हैं कि स्लो पॉइजन है। तो धीरे धीरे हमें इस चीज का त्याग करना चाहिए, जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र के सम्मत जो चीजें हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे आप जो है कंडे को प्रज्वलित करिए, उसके ऊपर आप लोबान का उपयोग कर सकते हो, गुग्गल का उपयोग कर सकते हो, चंदन का, बुरादा का उपयोग कर सकते हो। उतना आप नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी धूप बत्तियां भी बनी हुई आती है, उन धूप बत्तियों का भी आप उपयोग कर सकते हो, वो भी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जहां तक हो वहां तक हमें अगरबत्ती का जो उपयोग है वो धीरे 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 कम कर देना चाहिए, या कहे तो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। और हमें धूप बत्ती का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। घर के अंदर गुग्गल का और लोबान का, इसकी धुआं होना बहुत अत्यधिक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी धुआं से हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम।